इस बार हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए से। इसमें है थारी सारी रिकॉर्डिंग। अब तोड़ो जेल की रोटी और जिंदगी भर जेल में सजा काटना। हम जाएंगे जेल? बिल्कुल नहीं डोरे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम वापस आएंगे और वापस आकर तुम्हें सजा जरूर देंगे, याद रखना। आप बेटी का अंत करना चाहती थी ना, पर आज आपके अन्याय का अंत होगा, आपके अत्याचारों का अंत होगा, आपकी बुराई का अंत होगा, आपके पापों का अंत होगा। बस बहुत कर लिया आपने और बहुत सह लिया बेटियों ने, अब एक एक बेटी का हिसाब देना होगा आपको। बेटियों के साथ जो आपने किया उसकी सजा मिलेगी आपको। जैसे बेटियों को जन्म नहीं लेने दिया ना आपने, मैं हर बेटी की तरफ से प्रार्थना करूंगी संकटा मैया से कि दोबारा कोई कैलाशी ठुकराएं धरती पे ना भेजे। आज हर बेटी को न्याय मिलेगा। आपने बेटियों के हिस्से से उनका प्यार और दुलार छीना है ना, आज हर बेटी संकटा मैया से प्रार्थना कर रही होगी कि भगवान जी आपकी हर खुशी छीन ले। आपने भले ही बेटियों की ना सुनी हो, लेकिन भगवान जी बेटियों की जरूर सुनते हैं। संकटा मैया, काली माँ, दुर्गा माँ, वो सब बेटियां हैं। एक बार आपने बेटी को बोझ कहा था ना, लेकिन नहीं, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। आप जैसे छोटी सोच रखने वाले होते हैं बोझ। बेटियां तो खुशियां देती है, प्यार देती है, दुलार देती है। बेटियां तो घर संभालती है, बड़े बड़े काम संभालती है, अपने माँ बाप को संभालती है, तो वो बोझ कैसे हो सकती है? बोझ तो आप जैसे लोग हैं, और अगर दूर करना है किसी को तो आप जैसे लोग को करना चाहिए। आज जन्मी लड़कियों को तुमने खड़े में बंद किया है ना, तुमने तो कानून तो क्या, भगवान भी ना माफ करेगा। You are under arrest, Takura Insa. आगे मत बढ़ना, नजदीक नहीं आना। तुम अच्छी तरह से जानती हो गोली चलाने में कैलाशी ठकुराइन पीछे नहीं हटती। एक कदम आगे और हम गोली चला देंगे इस बच्ची पर। हटो, सब पीछे हटो, चलो हमारे साथ। पीछे अलग कर रही है ठकुराइन। टंडे वाली आंटी, उनको रोकिए। तुम दोनों उधर से पकड़ो, तुम यहां रुको। ये सब जो अंदर रखा हुआ है वो सब आपका हो सकता है। इसी सब की भूख थी ना आपको। नकली सोना? डोरे! चल, सुन, सुन! तू यहां से चली जा। अगर अपना मुंह खोलोगे ना तो गोली चला दूंगे। चल भाग, भाग! Thank you.
माफ करना, मैं इनको मारना नहीं चाहता था, लेकिन कैलाशी देवी ने मुझे मारना चाहा और धमकी दी कि वो मेरी डोली को मार देंगी, तो गलती से ये गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है गंगा जी, माँ ने नफरत का बीज बोया था तो उनको यही फल मिलना था, आज नहीं तो कल ये होना ही था। माँ ने हमेशा दूसरों की जान ली और आज खुद शिकार हो गई। सच कहूं तो मुझे माँ के जाने का दुख नहीं है, गम इस बात का है कि माँ हमेशा अपनी मनमानी करती रही और हम सबने उन्हें वो मनमानी करने दी। काश किसी ने उन्हें पहले रोका होता तो इतनी सारी जिंदगियां भी नहीं जाती और आज ठाकुर परिवार के आंगन में बेटों के साथ साथ बेटियां भी खेलती। मेरी सुधा की गोद में उसकी बेटी भी होती। कम से कम आज के बाद ठाकुर परिवार में किसी बेटी के साथ अन्याय तो नहीं होगा और किसी बेटी की हाय भी नहीं लगेगी। मुखाग्नि का समय हो गया है, आप इनकी चिता को अग्नि दीजिए। मेरे अजन्मे बच्चे की हत्यारण से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और सिर्फ मेरी नहीं, न जाने कितनी बेटियों की सांसें छीनने की गुनेगार है, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरी भी बेटी को जीते जी मारने की कोशिश की थी इन्होंने, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। पर ये आपकी मां है। सिर्फ कहने के लिए, मां का कोई धर्म नहीं निभाया उन्होंने। जो अपनी औलाद की बेटी को जान से मारने की कोशिश करी वो मां कैसे हो सकती है पंडित जी? इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, मैं इन्हें अग्निदान नहीं दूंगा। इनका तीसरा बेटा आनंद का कोई अता पता नहीं, भाग गया इन्हें छोड़कर। देखिए, इंसान अच्छा हो या बुरा, पर मृत्यु के पश्चात अग्नि पाने का अधिकार हर इंसान का होता है, अन्यथा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। वो यहाँ पर क्यों आई है? जा यहाँ से। तू भी छोटी है, ये सब तेरे मतलब की बातें नहीं है, तू नहीं समझेगी, जा। बाबा, ऐसा हो सकता है कि आपने समझाया हो और मैं ना समझी हूँ? तोरी, आज हमको कुछ नहीं समझना है, इनके साथ जो हो रहा है वो ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ, आया समझ में? जा। बाबा, आपने ही तो सिखाया है ना कि जो भगवान जी के पास चला जाता है उनके साथ उनके अच्छे बुरे कर्म भी उनके साथ चले जाते हैं, और उनकी आत्मा को शांति मिलना जरूरी है ताकि वो अगले जन्म में किसी और बुराई के साथ जन्म ना ले। जब बुरे नहीं तब ठकुराइन जी को अग्नि देकर उनके साथ उनके हर पाप हर गलती को जलाकर क्षमा कर देना। लेकिन डोरी, बाबा आपने ही तो कहा था ना कि बुरा करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है, तो कर दीजिए ना आप इन्हें माफ। जब वो ही नहीं रहे तो उनके बातों को क्यों दिल में रखना, वरना हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? ए मुनिया, तेरा दिल कितना बड़ा है, सबके लिए कितना प्यार भरा है तेरे दिल में। बाबा, दादी को मुखाग्नि मैं दूंगी,